हेलो दोस्तों बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड जिसका नाम है आईआरसीटीसी ओके okay, और आईआरसीटीसी से रिलेटेड बातें क्यों करेंगे क्योंकि आपको बताना चाहता हूं आईआरसीटीसी आर Uh, जिनके पास भी है बहुत वो लोग बड़े पेनफुल तरीके से पहले तो ले के बैठे थे फिर भागा भी और फिर उसके बाद अब गिर रहा है कंटिन्यूसली और लगभग बारह तेरह परसेंट गिर चुका है ओके okay, तो एक पेन होता है ना वो पेन आई सी टी सी में देखने को मिल रहा है और जिनके पास क्वांटिटी ज़्यादा है ना तो उन्हें जो लॉस हो रहा है ना आई एम वन ऑफ देके और जिन्हें वो लॉस हो रहा है ना जो दिखता है माइनस में uh, अच्छी खासी रकम माइनस में डे डिवाइस दिख रही है पिछले पाँच दिनों से तो वो चीज़ एक पेनफुल है तो उसी से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि क्या है ये स्टॉक एग्जैक्टली ओके ये क्यों हमें नहीं बेचना चाहिए ओके okay, और क्यों रखना चाहिए और क्यों हमें और ख़रीदना चाहिए इससे रिलेटेड वीडियो है तो सबसे पहले बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो को और हमारी और दूसरी वीडियो है कल भी बहुत सारी वीडियो अपलोड करी थी तो उसे लाइक कमेंट शेयर करिए ओके एज वेल एज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है एक फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए अगर आपने नहीं है आपके पास तो यहाँ पर क्लिक करें फ्री में अकाउंट ओपन कराए और एन्जॉय uh, करिए इसके साथ एज वेल एज़ एक और लिंक है यहाँ श्री राम जी का मंदिर बन रहा है अयोध्या में तो यहाँ पर क्लिक करने के इनकी वेबसाइट पर आपको ले जाएगा और अपनी इच्छा अनुसार आप जो चाहे वो एक पुण्य काम में मदद कर सकते दान दे सकते हैं और इस चीज से क्या होता है इस चीज से हमारी ही जो कैपेसिटी है और हमारी जो उन्नति है वो बढ़ती है अच्छे काम में मदद करने से तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखिए निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखेंगे देखे, यहाँ पर क्योंकि देखिए निफ्टी कंटिन्यूसली गिरती जा रही है तो आपको बताना चाहता हूँ निफ्टी यहाँ पर अभी कितना चल रहा है चौदह हज़ार पाँच सौ सत्तावन का यहाँ पर भाव चल रहा है और नीचे बहुत काफ़ी आ गया था कितना फोर्टीन यहाँ देख सकते हैं फोर्टीन फाइव हंड्रेड तक आ गया था और उसके बाद चला गया तो आपको बताना चाहता हूँ ये देखिए ये जो लेवल है ना इसका ये पहला लेवल है इसका अगर ये इसने तोड़ दिया यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर फोर्टीन फाइव हंड्रेड इसने तोड़ दिया तो समझ लेना ये और नीचे जाएगा और ये और नीचे कहाँ तक जाएगा तो और नीचे ये यहाँ तक जाएगा तेरह हज़ार छः सौ के तक ओके अगर तेरह हज़ार छः सौ के बाद पहली बात तो ये इस लेवल को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर इसने तोड़ भी दिया तो यहाँ पर तक जाएगा और यहाँ पर जाएगा तो फिर आपको थोड़ा बहुत पेन की ज़रूरत होगी बट इसके बाद जो रिकवरी होगी ना तो ये रिकवरी ऐसी रिकवरी होगी कि ये जो लेवल है ना इसका हाइएस्ट लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं पंद्रह हज़ार चार सौ की जो इसने बनाया है उसे भी तोड़ के ओके okay, ये सीधे सिक्सटीन था सिक्सटीन थाउजेंड की तरफ बढ़ेगा तो इसलिए डरने की बात नहीं है ओके okay, और आपको बताना चाहता हूँ इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पेनफुल उसमें है अभी ओके okay, आपको आ, क्योंकि उन उनके पैसे डेली माइनस देखते होंगे डेली माइनस देखते होंगे क्योंकि मार्केट गिरते जा रही है वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि दे आर इन्वेस्टर उन्हें इन्वेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वेल्थ क्रिएट करते हैं और उन्हें वेल्थ क्रिएट करने के लिए इस तरीके का पेन लेना पड़ता है ओके okay? जब मार्केट गिरती है तो उन्हें देखना पड़ता है कि बस मार्केट गिर रही है उनके मन में आता है कि शेयर बेच दे ओके शेयर बेच के चुपचाप निकल जाए और हम अच्छा खासा गेन कर सकते हैं और यहाँ पर देखेंगे आप ओके अच्छा खासा लेवल पर ये पहुँच गई थी और जिस तरीके से मैं भी आपको बता रहा था ना ये कि एक ये लेवल होता है इस लेवल पर आने पर चुपचाप यहाँ पर बेच के निकल जाओ और फिर वेट करो तो ये स्ट्रैटेजी देखिए इस पर भी काम आ रही है कल मैंने एक स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा या नहीं देखा यहाँ पर आप, आप, आप देख लीजिए ओके ये वीडियो है बच्चे भी इसी स्ट्रैटेजी से पैसा कमा सकते हैं तो उस स्ट्रेटजी से अगर हम यहाँ पर देखते हैं ना तो यहाँ पर हम निकल सकते थे और इसके बाद अच्छा खासा ऊपर नीचे के लेवल पर खरीद सकते हैं बट ये कुछ शेयर ऐसे होते हैं ना इसमें हमें बेचने की ज़रूरत नहीं है ये इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है और इसे आ, सालों के लिए रख लो पाँच दस साल के लिए रख लो तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने एक दो लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए होंगे ना और एक दो लाख रुपए इन्वेस्ट करने का पाँच से दस साल इसमें वेट करता है तो मुझे लगता है कि ये शेयर आपको पंद्रह बीस लाख रुपए इजीली दे सकता है इतनी कैपेबिलिटी इस शेयर की है ओके तो ये अभी जो सिचुएशन है वो उस उसके अगेंस्ट में ये जाके ओके इसलिए उसको फेवर नहीं कर पा रही और गिरता जा रहा है शेयर हम जैसे कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो ये शेयर गिरता जा रहा है प्लस में मार्केट गिरते जा रही है तो एक एक्सेप्शन मिल रहा है तो यहाँ पर ये शेयर गिरते जा रहा है तो बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर का जो लेवल है ना ओके यहाँ पर आ गया है तो ये अभी कहाँ तक गिर सकता है तो ये देखिए यहाँ पर इसका सेल का सिग्नल था यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेलिंग का सिग्नल है इसके बाद यहाँ पर बाइंग का था तो यहाँ पर खरीददारी अच्छी खासी हो रही थी अब यहाँ सेलिंग का सिग्नल है तो यहाँ पर सेलिंग हो रही है तो देखिए ये शेयर ना अभी यहाँ पर गिर सकता है तो आपको डेढ़ सौ पॉइंट और गवाने के लिए ना तैयार रहना पड़ेगा कितना सोलह सौ सो तेरह रुपये तक मतलब वो सोलह सौ सो रुपये तक ये शेयर अभी और गिर सकता है तो अभी जो डेढ़ सौ पॉइंट है ना और शायद और गिर सकता है अगर मार्केट में रिवर्सल आ गया ओके मार्केट ऊपर की तरफ भागी तो ये ये भागना शुरू कर देगा और और जब अब की यार भागेगा तो ये जो का प्रीवियस लेवल था ना दो ढाई दो हज़ार पचास का ओके दो हज़ार पचास दो हज़ार साठ का तो इसे क्रॉस करके ये ऊपर निकल जाएगा बट अगर इसने गिरावट दिखाई तो ये सोलह तो उसको तक जाएगा फिर इसके बाद जो रिकवरी होगी वो रिकवरी काफ़ी बेहतरीन होगी आप उससे खुश हो जाएंगे ओके नो इशू आपको फिर उसका जो वेटिंग का रिज़ल्ट होता है ना इन्वेस्टर जिसे कहते हैं कि वेट करते हैं पेशेंस रखते हैं फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं वो फिर आपको मिलेंगे यहाँ आप देख सकते हैं आई का यहाँ पर है गिरता जा रहा है थोड़ा सा और शायद गिर सकते हैं और जैसे ही गिरेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बाइंग अपॉर्चुनिटी में, में आपको ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न इन फ्यूचर देने वाले हैं तो इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा बात कर लेते हैं यहाँ पर तो देखें यहाँ पर पाँच दिन की बात करें तो ये शेयर ने जो गिरावट दिखाई है तो हम यहाँ पर अगर देखें तो ये लगभग तेरह चौदह परसेंट की यहाँ पर गिरावट दिख रही है मैक्सिमम आप देख सकते हैं कंपनी को आए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है ओके लगभग सवा साल के लगभग यहाँ पर हुआ है सवा साल डेढ़ साल आज के दिन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग अठारह परसेंट शेयर यहाँ पर उठाते हुए दिखाए हैं नौ मार्च को दो हज़ार पर शेयर चल रहा था आज की डेट में देखिए सर सेवनटीन एटी टू पर शेयर चल रहा है और आज सेवनटीन तक शायद ये नीचे आ गया था इसके बाद कुछ न्यूज़ भी है इससे रिलेटेड कुछ टारगेट भी दिए हैं और ये रिवर्स हो रिवर्सल हो जाएगा डोंट वरी इससे रिलेटेड कोई परेशानी नहीं है और ये न्यू ट्रेन धीरे धीरे चल रही है और इस बार लॉकडाउन भी लग गया ना तो ये ट्रेन बंद नहीं होने वाली क्योंकि ऑलरेडी सरकार अपना बहुत घाटा करा चुकी है और उनका कुछ विज़न है जो कि अच्छा खासा विज़न है फाइव ट्रिलियन डॉलर की उन्हें एक इकोनॉमी बना ली है विद इन दिस पीरियड ऑफ देयर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स तो उनके जो पाँच साल होते हैं ना उसके अंदर फाइव ट्रिलियन की का वीज़न है उसे इकोनॉमी बनाने के लिए उन्हें इस बार लॉकडाउन नहीं लगाएगा तो इस बार लॉकडाउन लगने भी नहीं वाला और बस हमें केयर रखना पड़ेगा ओके हमें दूसरों को ही बताना पड़ेगा भाई मास्क पहनो ये यूज करो ज़्यादा इधर उधर मत करो तो क्योंकि हमारे पैसे लगे पड़े हैं बट अगर बात कर लेते हैं इस शेयर से रिलेटेड कि हमें क्यों रखना चाहिए तो सबसे पहले डेट फ्री कंपनी है ओके लार्ज लार्ज कैप हजार एक सौ चौरासी करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटल है आर ही देख सकते हैं बासठ का आर है तो इस तरीके के जो पैसे बनाती है ना अगर बासठ का अग, अगले पाँच साल दस साल भी अगर इसने ऐसे रिटर्न दे दी ना तो अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे टेंशन ही मत लो ओके एज़ वेल एज़ बात की जाए सेल्स की तो सेल्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ इन सब चीज़ से रिलेटेड तो देखिए यहाँ पर कोविड आ गया था तो यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई थी बट दोबारा से जिस तरीके से ट्रेन शुरू हो गई है और इस तरीके अब इस, आ, कैटरिंग का बिजनेस भी दोबारा चालू होने वाला है धीरे धीरे ओके एज़ वेल एज सारी ट्रेन फुल्ली फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगी तो यहाँ पर ये आगे बढ़ने वाली है घटने वाली तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए जहाँ माइनस में प्रॉफ़िट था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है ओके यहाँ पर सेवेंटी एट करोड़ का प्रॉफिट हो गया है कम से कम कंपनी माइनस से पॉजिटिव में आ गई है ये सबसे अच्छी बात है सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सेल्स भी देख लीजिए अच्छी खासी सेल्स है बारह महीने की ओके इस वाले बात की जाए यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट की तो बारह महीने में प्रॉफ़िट भी देखिए दो सौ करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ गया है रिजर्व्स की बात करें ग्यारह तो सौ सतहत्तर करोड़ रुपए का रिजर्व्स है कोई टेंशन वाली नहीं बात नहीं है बोरिंग जीरो है और बोरिंग जीरो का मतलब कंपनी डेट फ्री का मतलब है उन्हें किसी चीज़ का किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है कभी होता है ना कि जिसके पास डेट होगा ओवियस बात है वो इंटरेस्ट भी देगा ओके बैंक से लोन ले रखा होगा तो उसे डेट देना पड़ेगा और डेट देगा तो ऑबेस सी बात है यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा किसे शेयर होल्डर को बट कभी यहाँ पर डिविडेंड भी इन्होंने अगर अनाउंस किया तो बताना चाहता हूँ यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड मिलने की मिलता है यहाँ पर अगर बात लास्ट टाइम भी देखें तो मेरी ख्याल से दस रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था और क्या चाहिए ऐसी कंपनी आपको दस रुपये का डिविडेंट दे दो सौ शेयर हुए तो अच्छे खासे आपके पास पैसे बन जाएंगे अगर बात करें आर तो बता चुका हूँ तिरसठ का आर चल रहा है तिरसठ का आर का मतलब है कि आपने दस लाख रुपये अगर डाले तो आपके पैसे ना बीस साल में बहुत पैसे बनते हैं मतलब सौ करोड़ बनेंगे और प्रोमोटर्स की होल्डिंग गवर्नमेंट है सी बात है पर ऑफ इंडिया 67 FII's के पास देख लीजिए लगभग जो मैं आपको हमेशा बता चुका हूं एफ आई आईज भी नहीं बेचना चाहते ओके okay, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो कर रहे हैं जो कर रहे हैं डीआईएस देख लीजिए ओके okay, पब्लिक देख लीजिए सोलह परसेंट की होल्डिंग और पब्लिक के पास सोलह परसेंट की होल्डिंग यहां पर नजर आ रही है तो आप टेंशन मत लीजिए काफी अच्छी अच्छा सपोर्ट है बहुत अच्छा शेयर है डट फ्री शेयर है मोनोपोली बिजनेस है सबसे मेन बात है ओके okay, और धीरे धीरे ऑपरेशनल शुरू होने वाला है सारी ट्रेनें शुरू होने वाली है ओके okay, कोरोना के केस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे ओके okay, वैक्सीन भी आ चुकी है बढ़ रहे हैं नो इशू बट धीरे धीरे हम केयर करेंगे ओके okay, हम सभी लोग एक दूसरे को बताएंगे कि भाई तो इस तरीके से मत रहे ओके okay, तो इस हम ये सब चीज़ फॉलो करेंगे और दूसरे से फॉलो करवाएंगे तो ऑबियसि बात है ये ये कंपनी फिर आगे बढ़ती हुई है नजर आएगी बट अगर ऐसा भी नहीं होता थोड़े बहुत टाइम में ऑब्वियसली बात है ये बंद नहीं होने वाली अब क्या बंद नहीं होने वाली ओके और इस बार जो पैसे कमाए हैं ना आई आर CTC ने काफ़ी बेहतरीन पैसे कमाए हैं यहाँ पर अगर आप और नीचे जाके न्यूज़ देखेंगे ना तो इसने आ, आ, जो इनकी मालगाड़ी वगैरह होती है उसके थ्रू भी इस काफ़ी सारे पैसे यहाँ पर कम अर्न करते हुए हमें नज़र आए हैं तो रिज़र्वेशन भी इनके बढ़ चुके हैं ओके और दूसरे बिजनेस भी इनके धीरे धीरे चल रहे हैं तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अलावा कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी थी कि इन्होंने बस की सर्विस भी देना शुरू कर दिया है इनके थ्रू देयर एप्लीकेशन तो उधर से भी दे चार्ज करते हैं वहाँ से भी अच्छे खासे पैसे वहाँ से अर्न कर रहे हैं तो जो थोड़ा बहुत और शेयर गिर सकता है फिर दोबारा बताना चाहता हूँ ओके बट पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है पैनिक बेचने की ज़रूरत नहीं है और जिन्होंने ऊपर ले रखा है ना उसे तो बिल्कुल बेचने की ज़रूरत नहीं है टेंशन बिल्कुल शांति से बैठे रहो ओके okay, और थोड़ा सा वेट और करो जहाँ पर इन्होंने जहाँ पर इन लोगों ने वेट किया था फिर इसके बाद नीचे आया उस उससे पहले भी उन्होंने वेट किया था ओके वहाँ पर से नीचे आया तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ये शेयर मल्टीबैगर शेयर है और अच्छा खासा रिटर्न देगा देखिए यहाँ पर ये इधर तक गया था पेंडामिक आया यहाँ पर नीचे आया फिर उसके बाद यहाँ पर ओ आया फिर नीचे आया अब थोड़ा तो नीचे आ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ़ कोरोना की न्यूज़ आ रही है इसके बाद ये शेयर भागना शुरू करेगा निफ्टी फिफ्टी भागना शुरू करेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा पैसा आपको बनाता हुआ और ये देगा और इस बार जब ये क्रॉस करेगा ना तो ये इस लेवल को क्रॉस करेगा और इसके बाद बाईस सौ तेईस सौ चौबीस सौ रिटर्न देगा तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा तो यही सब बताना था आईआरसीटीसी को बेचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है बल्कि बाय ऑन डिप्स में खरीदिए बाकी रिकमेंडेशन कोई नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर इससे रिलेटेड पूछ लीजिए आप कोई पोजीशन बनाने से पहले खुद की स्टडी कर लीजिए बाकी मेरे को जो लगता है वो मैंने आपको बताया सो तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए एज़ वेल एज़ हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार जो आपका खुद का चैनल है इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें लोगों के साथ फैलाइए ताकि इस तरीके की वीडियो मैं लाता रहूँ और एक दूसरे को नॉलेज देते रहे और लेते रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस yes